वहीं सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने जाम लगा दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी, पेयजल बिजली सीवरेज समस्या को लेकर उन्होंने जाम लगाया। किसान चौक पर परेशान लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जन स्वास्थ्य विभाग में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांग पूरी नहीं होने तक सड़क जाम रखने की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के नहीं पहुंचने से लोगों में भारी रोष देखा गया। सुनवाई न होने पर दिल्ली पुल के पास जाम लगाने की चेतावनी दी। लोगों को खदेड़ मोहल्ले से हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था, तो लोगों ने एक बार फिर से हल्ला बोला। अधिकारियों के नहीं मिलने से उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरीके की कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जब तक इन परेशानियों का निजात नहीं मिल जाता तब तक हम सड़क पर यूं ही जाम रखेंगे। तो रहवासियों ने चेतावनी देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड रहवासी हैं सभी, और पेयजल बिजली और सीवरेज की समस्या को लेकर जाम लगाया। तो हमें जाम, हमने ठेर से खाली करवाए मकान। उस टाइम वादा करा था भी दो महीने बाद हमने प्लाट दे देंगे। चार साल होगी ना प्लाट दिया, ये बिजली पानी हमारा बंद कर दिया। इब कहते हैं खाली करके भाग जाओ, हमारे मकान तोड़ाए और हमारे कोई धोखाबाजी करिए और गद्दारी करिए। खट्टर सरकार ने गद्दारी करी हमारे साथ। हमारे परवीन आए थे अफसर, उन्होंने हमारे मकान खाली करवाए, हमारे मकान तोड़ाए और गरीबों ने यहाँ गेरे लाइट पानी बंद कर दिया। ये मारी मांग है पूरी होनी है। इन समस्या सर सीवरेज की है। दो ढाई सालों से इन्होंने सीवरेज बंद किए हुए हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लाइट इन्होंने मन जब भी मन करता है ये लाइट काट देते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। अगर तीनों चीज शुरू हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं कि हमने आपको बिठाया नहीं है, आप खाली करके जा सकते हो। क्यों हम फ्री में नहीं बैठे यहाँ पे? हमारे मकान थे थेड़ के ऊपर, जब हमें खट्टर सरकार ने हमें यहाँ बिठाया गया है। अगर हमें प्लाट दे देंगे तो हमें कोई शौक नहीं है इनके फ्लैटों में बैठने का। हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें 100-100 गज का प्लाट दे दें और फिलहाल की जो मेन समस्या है वो शुरू कर दें अभी की अभी, तो हम चले जाएंगे। वरना हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे हैं हम।